गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अपन कर रहे हैं चेकआउट मनाली से और हम निकलने वाले हैं आज सीधा अपना लेह के लिए। तो आज मिलेंगे अपने को बढ़िया बढ़िया सुंदर नज़ारे और आज का व्लॉग आने वाला है पूरा। अपना DSLR से सेटअप पूरा लगा दिया है, तो बता देना आज का व्लॉग कैसा लग रहा है और क्या सीन है। और ये देख लो अपना कुछ पीछे का नज़ारा, और यहाँ से निकलते हैं। वैसे ही थोड़ा लेट हो गए, 10-15 मिनट तो लेट हो ही गए। सारा सामान लोड हो चुका है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं और आगे मिलते हैं गाइस। स्टेट के अभी खींच देंगे ब्रीजर रख के। ढेर बर्फ, बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़। ओ नो, बर्फ बर्फ। तेरीन एक व्यू पॉइंट आया गाइस, ये व्यू पॉइंट देख लो। इसलिए रुका था मैं, वैसे तो मैं अभी भी यहीं रुका हुआ था, बट एक बार और रुक जाते हैं। चेक दिस आउट, पहले सोच रहा था पीछे शिंकुला पास वाले रास्ते से चला जाता हूँ जानसकार होते हुए, बट फिर आई थॉट चलो छोड़ो, अभी बाकी लौंडे भी अपने ले में हैं, देखेंगे अगर आते हुए हम वो रूट करते हैं तो। ये देखो गाइस कैसी ट्रिप टूटी हुई है, बढ़िया गाड़ी देख रहे हैं चारों तरफ से। पहले यहाँ से देखा, यहाँ मैं बैठा था तो फिर वहाँ चले गए वो। तो ये देखो गाइस UK07 ऑल्टो जा रही ऊपर, नाइस।
पारा लाचा से नीचे उतरते ही गाइस पूरा सीन और व्यू भी बदल गया। देख रहे हो पूरे प्लेन्स आ गए, मतलब कितने दूर दूर हो गए बाहर, और रोड आ गई अच्छी टारमैक। सर्च बचा है यहाँ तक 10 किलोमीटर। सीएससी गाड़ी जा रही है और एकदम से बम्प आ रहा है ना, उस बम्प में फिर उगड़गड़ फेंडर लग रहा है। देखो जैसे अभी ये चल रही है, बम्प आएंगे, ये जो ये देख रहा हो ना कैमरा के ऊपर नीचे से हिल रहा है, ऐसे में गड़गड़ लग रहा है वो। ये लगा, सुनिए आवाज ज़ूम। जी जनाब, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, बताओ। एक बंदा है वो भी आपके वहीं का है। अच्छा, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसको थोड़ा सामान की जरूरत थी, हमने उसको जुगाड़ करके लाए हैं, उसको अच्छा, वहाँ तक लेके जाना है। कहाँ तक? ये स्पंग से जो ना 20 किलोमीटर इधर। बस उन्हें ऐसे बैठना। लेकिन साहब वो नहीं है ना अपने पास, एक बार डिग्गी तो खोलो मेरी। क्या है? खोलो डिग्गी, खोलो। क्यों? देखो तो अंदर तो देखो। नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है। सीट नहीं है ना? सीट नहीं है। अच्छा, ये ऐसा है। अच्छा, सेटअप ही चेंज है ना, नहीं तो छोड़ दिया रहता मैं। और बंदे की हाइट चौड़ाई भी वैसे कंफर्टेबली नहीं हो पाएगा। देखो डिग्गी खोल के देखो, आप बहुत लगेज है। अच्छा, बैठने की जगह नहीं है, वही सीट ही हटा। ऐसे क्यों रखा है आपने? टू सीटर ही है बस, वही कहीं सो जाओ वो जाओ। अच्छा, सोने की कमरा खंड रहा है वही। चलो ठीक है, हाँ बता दो भैया को। गाड़ी वाड़ी खराब हो गई है यार, सीट ना होने की वजह से गाइस उस बंदे को बिठा ही नहीं पाया मैं यार, क्योंकि खुद ही देख लो पीछे क्या सीन है, कहीं वो बैठ जाता और क्या ही होता। और अच्छा खासा लंबा चौड़ा लड़का था, और ये पुलिस वाले भैया थे जो आए थे हमसे पूछने। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लगा लूँगा सीट बेल्ट यार, ये तो बिल्कुल ही जान ही नहीं देती है, इतनी देर से लगा तो रखा है सुबह से। और पहाड़ों में वैसे भी नहीं लगाना चाहिए सीट बेल्ट। चलो लगा लेते हैं, हमारी गाड़ी हमें खाती ज़्यादा है ना, इस चक्कर में लगाना पड़ता है। और देखो ऐसे कुछ तो मैं सर्च में वो मिल जाएंगे, कैम्स वैम्स अगर तुम जैसा आ रहे हो रात भी रात थक गए होते तो यहाँ पे रुक सकते हो। वैसे मेरा मान कहना तो यही है कि इधर मत ही रुकना, उकना बहुत ठंड होती है, रात को सारे टेंट उड़ते हैं। ये अपना मनाली रुको, सुबह निकलो मनाली से टाइम से। अब देखो बादल की परछाई, वो जो लैंड पे तुम देख रहे हो ना, ये पूरा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो बादल की परछाई है, उसके ऊपर बादल है। गाड़ी में आ चुका है DEF एरर, 800 मीटर के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी गाइस, इसे ले जाना पड़ेगा महिंद्रा के शोरूम। ये हम आ गए इजिप्ट आ गए कि मार्स पे आ गए पता नहीं, नीचे बर्फ भी है भाई। और ये बंजर से बाहर, और ये सामने वाले भी देख कैसे नोकीले नोकीले पेंसिल जैसे हो रहे हैं। तो अपन पहुँच गए गाइस नकीला पास पे, एल्टीट्यूड पढ़ लो, और ये पांग की तरफ जाता है रास्ता, और इस रास्ते की थोड़ी ख़राब है हालत, यहाँ पे थोड़ा हमें टाइम लग रहा है, बस 34 किलोमीटर बचा है पांग। पांग ही पहुँचते हैं पहले फटाफट, वो देख रहे हो रास्ते नीचे नीचे बस थोड़ा ऐसे ऐसे से ही, इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग पैच है। तो ये देखो गाइस अपनी बोलेरो ना, थोड़ा टेस्ला फीचर्स भी है इसमें जो किसी को पता नहीं है। ये देखो मेरे पैर ना, मैंने एक्सीलेटर दबा रखा है ना, ब्रेक ना क्लच, पहला गियर लगाया है गाड़ी पर और गाड़ी छोड़ रखी है, और चढ़ाई देख लो और रास्ता देख लो, ना एक्सीलेटर दे रखा है कुछ नहीं, बस 1 के RPM पे फर्स्ट गियर लगा के छोड़ा हुआ है, 11 की स्पीड पे गाड़ी खुद चढ़े जा रही है, चाहे कितनी भी चढ़ाई आती रहे रुक नहीं रहा। ये देखो चढ़ाई, और अभी भी ये देख लो एक्सीलेटर पे पैर नहीं है मेरा। तो ये है बोलेरो की जान, ठीक है, ये इसका रॉ पावर है,
मतलब ऐसे ही देख लो, इतने ऐसी गेड़ी तो ऐसी मारती है, 11 की स्पीड पे लागे छोड़ दो ऐसी सड़क में, स्टेयरिंग भी छोड़ दो, एक्सीलेटर भी नहीं पकड़ा, ना ब्रेक ना कुछ, वो गाड़ी जा रही है, वो भी चढ़ाई चढ़ रही है, देख लो कहाँ की। ये कैमरा पे अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो ये ऐसा चढ़ाई है, अभी मेरे पीछे एक ट्रक था उसके तो मतलब जान निकल रही है चढ़ने में, वो देखो कैसे चढ़ रहा है, वो चढ़ ही नहीं पा रहा है, और अपने को देखो, देख लिया से। पूरा पहाड़ चढ़ गया हूँ मैं ऐसे ही है, देखो बस ये दिखाना था मुझे, अब मैं दबा लेता हूँ, देखो अब दबाऊंगा ना, एक सेकंड रुको, ये दबाया सीधा 11 से ऊपर, 12-13-14 शुरू। मैं शायद या तो मार्स पे आ गया या कहीं और आ गया, गुजर है भूखा तू तो मैम पालो दिखे सेटअप में चाय You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga. Got the fully automatic with the extra mag, nigga. Super Mario, the way I smash, nigga. I be going hard, Draco, put your shit on blast, nigga. 50,000 in the fucking stash, nigga. Got about 100 in the fucking dash, nigga. If you a op, then we on your ass, nigga. Bullets chopping, nigga, down like I'm mowing grass, nigga. What the fuck? If a nigga want a problem, tie him on my billies up. Young blood gang, nigga, what the fuck? Hey, fuck a crip. See a Sam Walker, shoot him in his lip. Oh shit, got his baby mama sucking dick for a tip. Yeah, I'm 5'9", bitches, prime time for Leo Prim. Prim Leo, my April, shoot you 9 times. 69, it was good. 93 was even better. Rip it down on my bitch and make that pussy even wetter. Prim Leo, all my apes, they gon' say for Leo Brim, hey, Brim Leo, all my apes, they gon' say for Leo Brim, hey, Brim Leo, all my apes, they gon' say for Leo Brim is 5'9", prime time, who the fuck is them? You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga. Got the fully automatic with the extra mag, nigga. Super Mario, the way I smash, nigga. I be going hard, Draco, put your shit on blast, nigga. 50,000 in the fucking stash, nigga. Got about 100 in the fucking dash, nigga. If you a op, then we on your ass, nigga. Bullets chopping, nigga, down like I'm mowing grass, nigga. What the fuck? Fuck is these niggas talking about, man? It's Young Mal on, on the track, Vilboy ZNT, POS, whole lot of gang shit, nigga. Think I'm broke, you a silly nigga, smack you silly. This is Tang Lang La Pass. Tang Lang La.
गेम ऑफ थ्रोन्स। अरे ठंडा है यार, मत करो। तो ठंडा तो हो गई। कैसी आवाज आ रही है? कितनी सॉफ्ट है और ओवर। चुका है 7:30 और अभी भी यहाँ पे उजाला है। मतलब बहुत लेट सनसेट होता है यार यहाँ, मैंने ये देखा है बहुत ही लेट अभी तक उजाला है। देखो इतनी देर में तो देहरादून में अंधेरा होने लग जाता है। और अब व्लॉग व्लूग का सीन तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी यहाँ से अपना बचा है 90-80 किलोमीटर लद्दाख ये ले, तो सीधा ले जाके मिलेंगे। ये चली रही है रोड। तो फाइनली गाइज पहुँच चुके हैं हम ले। टाइम हो रहा है 9:00, मतलब 9:00 पहुँच गए थे हम भी, तो बहुत देर से ही बैठे हैं। टाइम कैसा लगा है फिर आज का राइड? चार पासेस पार करें आज हमने, हाईएस्ट पासेस। बताएंगे बाद में, रूम में जाके मिलते हैं फिर।